सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वायरल की तरफ से। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ये सवाल आ रहे थे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म तो आ गए लेकिन डेट शीट कब आएगी, पेपर कब होगा, प्राइवेट वालों का साथ होगा या रेगुलर वालों से अलग होगा। दोस्तों मैं आज आपको हर सवाल का जवाब अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो भरे जाने शुरू हुए थे प्राइवेट के रेगुलर के तो पहले भरे जाते थे लेकिन जो एग्जामिनेशन फॉर्म थे प्राइवेट वालों के वे 4 जनवरी से शुरू हुए थे। दोस्तों की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट का फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट कॉलेज में है वो 4 है और जो यूनिवर्सिटी में जमा करने की है वो 5 है। मतलब कि अगर आपका कॉलेज से रह जाता है आप जमा नहीं कर पाते हैं तो उसको आप 5 तारीख में यूनिवर्सिटी जाकर जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई कि फॉर्म कैसे भरा और आप उसे जमा कैसे कर सकते हो। दोस्तों लेकिन मेन मुद्दा ये है कि डेट शीट कब आएगी और पेपर कैसे होंगे, कब होगा, रेगुलर वालों के साथ होगा या अलग होगा। दोस्तों पहली बात का जवाब तो ये है कि आपका जो पेपर होगा रेगुलर वालों के साथ ही होगा, मतलब जो रेगुलरली कर रहे हैं और प्राइवेट जो फॉर्म है उनका और रेगुलर वालों का पेपर एक साथ होगा बिल्कुल। दोस्तों और एक बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि कब होगा। दोस्तों पिछली बार जो हुआ था 15 फरवरी से पेपर आपका हो चुका था लेकिन इस बार थोड़ा लेट प्रोसेस चल रहा है तो अब की बार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक नोटिस जारी किया गया उसमें कहा गया है कि अप्रैल से आपका जो है वो प्राइवेट बीए बीकॉम बीएससी वालों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म के जो पेपर होंगे वे होंगे अप्रैल से, मतलब अप्रैल 2020 से। देखिए जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है, देखिए कि अप्रैल में, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि अप्रैल 2020 से आपका जो एग्जामिनेशन है वो शुरू होगा और डेट शीट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों मैंने जहां से आपको बताया कि अप्रैल से शुरू होने वाला है तो दोस्तों इस चीज के लिए मैं जो बीटीयू जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं या अदर मतलब प्राइवेट कोर्स के साथ और रेगुलर कोर्स भी कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, खासकर पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए। क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक के आपको पता है कि एक पेपर दिसंबर में होते हैं और एक मई में होते हैं, उनका जून में रिजल्ट आता है। दोस्तों जैसा आप सोच रहे होंगे मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अगर अप्रैल में बीए का या बीए बीकॉम का पेपर होता है आपका प्राइवेट तो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम और बीए का एग्जाम इस बार आपका साथ पड़ सकता है। दोस्तों आप मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप अपनी तैयारी पहले से ही लेकर चलते रहें क्योंकि अगर अप्रैल में जैसा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि अगर अप्रैल में आपका पेपर बीए बीकॉम या बीएससी का प्राइवेट तौर पर होता है और आपका रेगुलर मई में होता है पॉलिटेक्निक या किसी और क्लासेस का तो दोस्तों आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं 1.5 से 2 महीने तक चलते हैं, मतलब कि आज आपका शुरू हुआ फिर 10 दिन की छुट्टी फिर एक एग्जाम फिर 10 दिन की छुट्टी फिर एक एग्जाम, इस तरीके से होता है। क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी के बीच में कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी इतने कोर्स कराती है प्राइवेटली रेगुलरली और पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, तो दोस्तों इसमें काफी सोच समझ के स्कीम बनानी पड़ती है कि कभी 2 एग्जाम एक साथ में पड़ जाए। इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, टीचर का अरेंजमेंट होता है और सीटअप अरेंजमेंट होता है, पेपर का अरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों इस चीज में तो यूनिवर्सिटी सोचेगी लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि आप अपनी तैयारी पहले लेकर चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों मई में आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम होगा और आपका अप्रैल में दोस्तों आपको सीट डेट शीट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल लेटेस्ट वायरल भी दक्षिण को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टेक्निकल एजुकेशनल तथा पॉलिटिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं तथा आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।